80 जब 80 वो जीत जाएंगे तो हम क्या जीतेंगे? फिर सवाल ही आपका गलत है। जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 80 सीटें वो जीत जाएंगे यूपी साहब, इसलिए अगर वो 80 जीत जाएंगे तो हम क्या करेंगे बताओ? तो आपने जो ईवीएम पे प्रश्न उठाया था, क्या आप चाहते हैं कि ये बंद हो जिससे कि ये घपलेबाजी खत्म हो? दुनिया के जितने लोकतंत्र हैं सब बैलेट से वोट पड़ रहा है, और हमें और आपको भरोसा नहीं हो सकता है कि अगर हमने बटन दबाया है तो हमने वोट वहीं पर दिया जहां देना चाहते थे। इसीलिए कहते हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग, ये सीक्रेट बैलेट होता है, और फिर मशीनें कभी कभी नफरत भी फैलाती हैं। क्यों? क्योंकि मशीन से पता लग जाता है इस वार्ड में, इस मोहल्ले में, इस बूथ पे इतना वोट पड़ा है। कम से कम वो नफरत खत्म हो, अगर बैलेट से वोट पड़ेगा तो नफरत भी खत्म होगी, क्योंकि गांव में नहीं पता लगेगा कि किसने वोट दे दिया, क्योंकि सब जब मिक्स हो जाएंगे और तब काउंटिंग होगी तो समाज में वो जो जाति की धर्म की दुश्मनियां नहीं होंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया के जितने लोकतंत्र हैं उन्होंने बैलेट पे वोट करना शुरू किया है, कर रहे हैं, इसे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के, भारत के तमाम लोगों को आगे आना पड़ेगा और बैलेट की बात करनी पड़ेगी। 2007 में बसपा की और 2012 में आपकी पूर्वों से सरकार बनी थी, उस समय वोटिंग ईवीएम से हुई थी। देखिए अब तो मामला बहुत आगे चला गया है, मशीनें कौन सी थी, पुरानी थी, नई थी, क्या था, इनमें बातों में नहीं आना चाहिए। हम कहते हैं दुनिया के जितने लोकतंत्र हैं उनमें आखिरकार ईवीएम पे क्यों नहीं है? हमने ये नहीं कहा कि क्या है, हम तो आयोग से कहना चाहते हैं और आपसे हम जानना चाहते हैं कि अगर ईवीएम खराब हो सकती है, खराब होकर के ठीक की जाती हैं, तो आखिरकार क्या ठीक करती हो? अगर ठीक की जा सकती है तो ईवीएम खराब भी की जा सकती है। आपको याद होगा भिंड में चुनाव था, कानपुर की ईवीएम गई थी, डीएमएस भी सस्पेंड हुए थे, अभी भी कई मशीनों में शिकायतें हैं और सब जगह शिकायतें आती हैं।